तो दोस्तों आज देख सकते हैं कि घर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आज आम आदमी पार्टी ने धरना करी है। और हेलो एवरीवन, मैं संगीता संवाददाता खबर ले रही की आज मैं अंबेडकर नगर कलेक्ट्रेट पर हूँ और ये कलेक्ट्रेट पर ये लोग आम आदमी पार्टी के कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहते हैं गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आम आदमी पार्टी आज एक दिवसीय धरना करी है, जबकि जैसे कि आचार संहिता चल रहा है जिसमें ज़्यादा शोरगुल करने का मनाही है, तो ये लोग जो है जिला अस्पताल के सामने अपने अपना खेमा रखा हुआ है और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो धरना प्रदर्शन है वो किस उपलक्ष्य में है, ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आगामी महीने में चुनाव भी है। तो इस तरह से अगर आम आदमी पार्टी के सारे जितना भी पदाधिकारी हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, तो किस तरह से ये इस बार यूपी में चुनाव करेंगे और इनकी क्या रणनीति होगी, कैसे ये अपनी तैयारी करेंगे, तो ये सब बातें जानेंगे। आज आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध कर रही है। जिस तरीके से गुंडागर्दी के बदौलत अरविंद केजरीवाल को रात में 9 बजे गिरफ्तार किया गया, जबकि कोर्ट का आदेश था कि 22 अप्रैल को कोर्ट अपना सबूत पेश करे, लेकिन कोर्ट सबूत ना पेश करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री के कहने पर जबरदस्ती कल गुंडागर्दी के बदौलत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी को अवगत कराएं कि ये गुंडागर्दी परमानेंट नहीं चलेगी, ये सत्ता आपकी परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन आपकी सत्ता जाएगी और इस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। के सूचना दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अंबेडकर नगर यूनिट अपने आप में एक सक्षम यूनिट है और हमेशा निरंतर संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का प्रयास करेगी और आम आदमी के जन समूहों को, जन समस्याओं को लेकर जो हमारी सरकार करती आई है दिल्ली और पंजाब में, ऐसा करने के लिए हम लोग जनता तक अपनी एक एक बात का संदेश पहुँचाएँगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद है, रहेगी और आने वाले समय में हम एक एक जागरूकता को फैलाएँगे। जी धन्यवाद। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।